लेट्स कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ट ऑफ वीविंग। आर्ट ऑफ वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनाई। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स इट मीन्स वेब एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज लॉन्ग आर्ट ऑफ स्पिनिंग। लॉन्ग आर्ट ऑफ स्पिनिंग एक्चुअली क्या होता है कि जो लंबे लंबे धागे होते हैं उनको पहले स्मॉल स्मॉल पीसेस जो कि कॉटन के स्मॉल कॉटन बॉल्स होते हैं कपास, उसके जो बॉल्स को स्ट्रेट करके पहले उसमें से लंबा लंबा धागा बनाया जाता है। उसी लंबे लंबे धागे को जो है वो स्पिनिंग के लिए स्पिनिंग कही जाती है। वी ऑल नो दैट गांधी जी हैज़ गिवन इट अ स्पेशल इम्पॉर्टेंस एज ए कॉटेज इंडस्ट्री एंड जॉइंड इट विद स्वदेशी टू मेक सेल्फ रिलायंट अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट विच हैज़ क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री। अपन सभी लोग ये जानते हैं कि गांधी जी ने ये जो प्रथा है उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज में डेवलप करी और उसको नाम दे दिया कि ये स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब हमारे देश में बनाई जाने वाली जो सारी चीज़ें, तो वह एक तरह के अंडर बैनर हो गया, उसे टैग मिल गया कि स्वदेशी। तो इस तरह से कपड़े की बुनाई अपने भारत में गांधी जी द्वारा या चरखे द्वारा शुरुआत हुई थी विच हैज़ क्रिएटेड ए न्यू हिस्ट्री, और वही चीज़ आगे बढ़कर एक नया इतिहास के रूप में सामने आ गई। हैंड वीविंग, अब हैंड वीविंग का मतलब होता है जो बुनाई हाथ से की जाती है। सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नाउ हाउ। अब पुराने प्राचीन भारत यानी पुराने भारत के दौर से टेक्सटाइल जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अब टेक्सटाइल कैसे, नो हाउ कैसे प्रसिद्ध हुई। इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लोथ ऑफ ए पर्टिकुलर साइज ढाका ऑफ फाइन मसलिन ऑफ ढाका कुड ईजली पास थ्रू अ रिंग। अब ये कैसे होता था कि इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लोथ यानी कि पूरा का पूरा जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसे टका कहते हैं ऑफ फाइन मसलिन, और वो फाइन मसलिन यानी जिस तरह रेशम के धागे होते हैं उस तरह वो ढाका से आता है एंड कुड ईजली पास थ्रू ए रिंग। अब उसे रिंग में से आसानी से पास किया जाता है, आसानी से पास करने के बाद एंड कुड बी एडजस्टेड इन ए मैच बॉक्स, फिर उसे एक छोटी सी मैच बॉक्स में एडजस्ट कर लिया जाता है। मोर ओवर कारपेट मीन्स गलीचा ऑफ सेवरल रीजन्स नीटिंग वर्क और अटायर्स एंड इन आर्टिस्ट्री एक्सेट्रा ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस। अब इस तरह से इन सारी चीज़ें जैसे कि आजकल हम देखेंगे कि वो कारपेट गलीचा जो है वो सभी की जगह पे पाया जाता है, नीटिंग वर्क एंड अटायर्स एंड इन आर्टिस्ट्री एक्सेट्रा। अब इसे हम हर रूप में मान सकते हैं कि ये नीटिंग वर्क में भी आ जाता है, अटायर्स यानी कि आपके रोजाना की यूज और आर्टिस्ट्री, इसमें आपकी आर्टिस्ट्री भी दिखाई देती है। ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस, इस तरह से इसने एक अपनी जगह बना ली है। अमंगस्ट फ्रॉम पटोला ऑफ पाटन कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज़। इसके अलावा पटोला जो पाटन की साड़ी है वो बहुत फेमस है, उसी तरह कांजीवरम बनारसी साड़ीज़ भी काफ़ी फेमस हुई हैं। बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अपने राजस्थान की बांधनी जो है वो एक अलग पहचान है भारत के लिए। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्रा जयसेन मेनी आर्टिसंस केम एंड सेटल्ड इन पाटन। अब बहुत सारे आर्टिसंस जो हैं जैसे सिद्रा जयसेन, ये भी क्या थे, वीवर्स थे। वीवर्स यानी बुनाई किया करते थे, वो भी आके पाटन में बस गए थे। तो पटोला और पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस, वहाँ से पटोला जो है पाटन की सबसे प्रसिद्ध और फेमस चीज़ हो गई ड्यू टू देयर स्किल्स। उनकी कलाकृति में एक चीज़ बढ़ती हुई दिखी। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। अब ये जो पाटन की कला है ये 850 साल पुरानी मानी जाती है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस हैव द स्किल फॉर सच ए कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। बहुत ही कम आर्टिसंस ऐसे हैं जिनको ये कलाएं आती हैं या जिनको ये कलाएं मिली हैं। तो ये काफ़ी कम कंज्यूमिंग आर्ट है यानी कि समय लेता है, और इसकी कला का बहुत बड़ा व्याख्या बनाई गई है। द सिल्क वेयर विवाद एक्ट प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। अब यहीं से बनी हुई जो सिल्क है जिसे विवाद एक्ट भी कहते हैं वही पटोला ऑफ पाटन के लिए प्रसिद्ध हो गया। इक्ट मीन्स वीविंग। अब इक्ट का मतलब होता है वीविंग, वीविंग का मतलब हिंदी में बुनाई। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न ऑन अदर साइड। अब इस तरह की साड़ी की सबसे बड़ी अहमियत क्या है कि ये साड़ी जो है वो इस तरह से बुनी जाती है कि उसको दोनों ही तरफ से पहन सकते हैं। दिस इज सेम इन द सेम रेफरेंस, और इसी को ही रेफरेंस के रूप में यानी कि पहचान के रूप में बताया गया है। कैसे, पड़ी पटोड़े भात फाटे पन फीटे नहीं। तो ये बताया गया पड़ी पटोड़े भात
फाटेपन फिटेने की, मतलब वो फट सकती है। इस तरह की पटोड़ा होती है कि वो फट सकती है लेकिन फिटे नहीं होती, यानी उसका रंग नहीं छूटता है। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड इवन इफ द क्लोथ में बी टॉर्न। अब सेम चीज़ इट इज़ देयर इन इंग्लिश के डिज़ाइन जो है उसकी पटोला के शैल नेवर फेड, उसकी डिज़ाइन कभी भी हल्की नहीं होती है यानी फेड नहीं होती है, लेकिन भले ही कपड़ा फट जाए, तो कपड़ा फट सकता है लेकिन कलर या डिज़ाइन उसकी फेड नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयड्री।